गाइज ये देखो ये जीएलए रेडी हुई है भाई, हमारी ट्रैक पे गिरी हुई बाइक नहीं है। चल ट्रैक पे गिरी हुई छोड़, तेरी तो खुद की भी नहीं थी, किसी की मांग के बाइक की वीडियो बना रहा है। 2 करोड़ पर मंथ भी अर्न कर रहे हैं। सब्सक्राइब टू YPM Vlogs एंड लाइक द बेल आइकन। जब तेरे से नहीं हो रहा था आईपैड रिसेट तो तूने मेरा क्यों नाम लगा दिया? खुद छोड़ देती ना कि नहीं करवाना, अब मेरे को दिक्कत हो रही है बता। ना ना मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। एक ऐसा इंसान था जो सो रहा था अपनी बेड में आराम से, उसको उठा दिया गया और उसका अब आईपैड बोला जा रहा है कि अपने आईपैड पे वो करके दिखाओ। ठीक है गाइस, इसकी शक्ल देख लो, इसका एक्चुअली नाम है मिट्ठू बचपन से। अब चुप रहे, बस अब मत कर। मैंने आज शेव करी है भाई इस वाले रेजर से जो मामू लेकर आए थे, तो यार इसमें एक्चुअली पूरी हीट हो जाती है। इसको ऐसे मैं ऑन करूंगा ना तो देखो ये पूरा यहाँ से हीट छोड़ता है और ये एक नंबर लगा यार मेरे को, क्या मजा आया भाई इससे। बहुत सही है ये वाला बुगाटी वाला, मतलब इसमें हीटिंग टेक्नोलॉजी है। वेल सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम व्लॉग्स बैक। फिर वैसे आज का प्लान तो ये था कि 1 बजे मैं पहुंचना था घिटोरनी, बट 3:30 बजे मैं सो के उठ रहा हूँ और मेरे को अभी भी जाना है घिटोरनी। और क्यों जाना, बिकॉज वहाँ पे जो जीतू भाई ने अपनी गाड़ी है वो तैयार कर दी है, उसको हमको लेके आना है। और क्या उसमें करवाया है पूरा कुछ बताऊंगा आपको आज की वीडियो में। तो अपने करते हैं आज के व्लॉग को स्टार्ट। नानू का फोन आया था, उनका आईपैड में दिक्कत आ गई है, वो आईपैड ठीक नहीं हो रहा, वॉइस ओवर मिस्टी ने खराब करवा दिया। नहीं वो आपको जाना पड़ेगा तभी हो पाएगा, उनसे हो नहीं रहा। मतलब तू मुझे गाइड करेगा और मैं उनका। हाँ बस, तो अभी गाड़ी जो रेडी हुई है उसके थोड़े पैसे लेने के लिए हम बस में हो चुके हैं सामने। हम पैसे तो गाड़ी के। हाँ वो तो आपने देने हैं, आप दोगे मामा गाड़ी के पैसे। चलो वो अभी डिसाइड करेंगे। और मामू का आपने मुझे रात को भेजा है, मामा हुआ क्या, मामू को जैसे प्लेन लैंड होने वाला हुआ, मैंने उनको मेल शुरू कर दिया। 1000 फीट, 900 फीट, 800 फीट, 700 फीट जैसे करते करते वो कह रहा हाँ अब हो चुका ना, भेजना बंद कर दे। जो मगर बोस का सिस्टम था ना, ये अभी पता नहीं इसमें क्या दिक्कत आई है कि ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा। होता क्या है कि इसको अगर आपने पीछे से प्लग बंद कर दिया तो ये हो जाता डिस्कनेक्ट, और बार बार इसको मैं चलाना भाई भूल चुका हूँ, तो इसलिए मेरे को अम्मा कह रही है कि बोस से बुला लेते हैं, इंजीनियर बुला लेते हैं। मैं फायदा तभी होगा ना आपके जो मेड्स हैं वो प्लग ना बंद करें। अच्छा ठीक है, अभी जो होगा वीडियो बना लेंगे। तो एक बार मैंने कहा था जब टाइम मिलेगा उनको कॉल कर देती हूँ, मैं आज उनको बोल देती हूँ। गाइस गेस व्हाट, हम जाने वाले हैं अभी H2 पे, अंकल साथ जा रहे हैं, बट अंकल जी मेट्रो पे आएंगे, सीधा घिटोरनी पहुंच जाएंगे और मैं निकल रहा हूँ बाइक पे। बहुत दिनों बाद मोटर ब्लॉग करने वाला हूँ। थोड़े भाई मिलने के लिए आए हैं अभी, कैसे हो जी? बढ़िया भाई, बहुत देर से खड़े हुए थे। सुनो अंकल अगर होती ना इस टू सीट तो पीछे बिठा देता मैं आपको आज। भैया आज मेरी हालत भी खराब है। कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया भाई, चलो ओके जी। अभी अंकल के लिए आया हूँ ऑटो वाले भैया से पूछने के लिए कि घिटोरनी को चला जाए। अंकल जी मेट्रो पे कहाँ आएंगे पूछ लो यार, अंकल जी घिटोरनी के लिए। घिटोरनी चलोगे? हाँ हाँ चले जाएंगे, बात कर लो बाकी। अंकल जी को मैंने ऑटो करवा दिया, सही है ना? ये रहे रे यार, रेस नहीं भगा पाऊंगा मैं। अंकल रेस किसे लगाने का बोला है आपको? मैं निकलता हूँ चलो। पापा अम्मा ना यही बोलते हैं कि ना थोड़ा इसको ध्यान से चलाया कर। बात सही है, उनकी भी सही है यार कि रिस्की तो है ना देखो इस कंपेयर टू द कार, पर ठीक है जो भी है मज़ा आता है बाइकिंग कभी कभी कर कर देनी चाहिए। वैसे भी राइड पता नहीं कब करी थी मैंने लास्ट संडे राइड। अरे स्विगी वाले भैया जा रहे हैं, एक वीडियो याद आ गई मेरे को यार, एक कार्टून की, कह रहा देखो गाइज ऐसे RPM इसका है 4000, ये मैं रेस दूंगा ये गई। हमारे जो सुपर चार्जर है वो काम करते हैं। अबे भाई हमारी ट्रैक पे गिरी हुई बाइक नहीं है। चल ट्रैक पे गिरी हुई छोड़, तेरी तो खुद की भी नहीं थी, किसी की मांग के बाइक की वीडियो बना रहा है। क्या यार, मतलब लोग भी ना वो करने के लिए कुछ भी करते हैं। अब मैं दिखाता हूँ पिकअप, और हाँ भाई भाई क्लाउड बहुत है ना, अब तुमको पता नहीं है, तुम्हारी तो होगी नहीं थी क्लाउड, तुम्हारी तो है भी नहीं। चलो ये आया चार्जर, 1 2 3 H2 की पावर। कार्टून भी ना मतलब कुछ भी करते हैं यार। बाइक का सही है, बहुत जल्दी है जल्दी जा रहा हूँ यार, गाड़ी से मतलब कंपेयर करो तो ऑब्वियसली वो तो है, मजा आ रहा चलाने में। बताओ तो इतनी जल्दी में आ भी क्या दाबड़ी, ये तो गाड़ी से तो भैया 20-25 मिनट लग जाते हैं आने में। गाइज अभी एक्चुअली सीन क्या है, घिटोरनी जाने के लिए ना दो रूट हैं, जो गुड़गांव हाईवे वो तो ऐसे एक्चुअली बंद पड़ा हुआ है अभी, मतलब साइड में से निकाल रखा है उसका, डाइवर्जन कर रहे हैं पूरा, 3 महीने के लिए बंद है वो। तो उसी के लिए अभी सोच रहा था कि मैं फिर सुल्तानपुर से वाली रोड से दे रहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा भाग से ना लूँ। और ये खड़े भाई ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, मैं ना जान के हायर गियर लगा देता हूँ हमेशा,
जब भी खड़े होते हैं, बिकॉज फिर उस बड़ी बाइक की ना आवाज़ कम हो जाती है। इसमें यह तो है ना कि एग्जॉस्ट लगवा लो, वेल्वेट्रॉनिक ऑन ऑफ कर लो, ऑन ऑफ कर लो, इसमें ऑन ही रखना पड़ता है। बस जो ये जाम है ना राइट साइड में, इससे मेरे को डर लगता है, ये बिल्कुल ना आखिरी तक हो जाता है टनल तक। और फिर उसके बाद हो क्या रहा है कि यहाँ पे दो लेन आ रही हैं, तीन लेन आ रही हैं, और एकदम से फ्लाईओवर पे एक हो जाती है लेन, तो इसलिए जाम हो जाता है बहुत ज़्यादा। मेरे को बस यही डर लगता है यहाँ का। मेरे को तो बीट था जैसे इसका टनल आएगा ना, तो मेरे को इसकी आवाज़ सुननी है, तो थोड़ा सा रेव करेंगे डाल के न्यूट्रल में, ताकि लोगों को दिक्कत भी ना हो। बस ठीक है, देखो ये जा रहा है प्यारा सा प्लेन, और हम भी बस जा रहे हैं सीधा सीधा गुड़गांव, मतलब MG रोड। सब कुछ चालान कट रहे हैं भाई, मैंने देखो फोर्थ गियर लगा दिया। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अरे ऐसे ब्रेकर आ जाते हैं ना एकदम से, रात को चलाना इसलिए खतरनाक है, एकदम से ब्रेकर आ जाते हैं, पता नहीं चलता। अंकल पता नहीं कहाँ ही होंगे पीछे, उनको तो आने में लग जाएगा टाइम बहुत ज़्यादा, देखो उस रास्ते में भाई मैं तो ऐसे ऐसे करके आ गया। अब उनका तो ऑटो है, तो इट विल टेक सम टाइम फॉर हिम टू रीच। सो देयर इज वन क्वेश्चन जो आता रहता है बार बार, सो दैट्स कि यूट्यूब से अर्निंग कितनी हो जाती है। भाई देखो इट टोटली डिपेंड्स, फ्यूल का भी आ गया। अब अगर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब इज लाइक गोइंग इन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज, तो वो पर इंस्टाग्राम रील का 8-12 लाख रुपए एक रील का चार्ज करते हैं। दैट इज फॉर द इंस्टाग्राम। यूट्यूब का इट मे गो लाइक 15-16 लाख रुपीज डिपेंडिंग अपॉन द क्रिएटर। ये मैं बता रहा हूँ पर वीडियो का बता रहा हूँ मैं ये। सो अच्छा खासा अमाउंट है यार, मतलब देर आर सम क्रिएटर्स जो कि 1-2 करोड़ पर मंथ भी अर्न कर रहे हैं, विच इज़ लाइक 24 करोड़ पर एनम। अरे भाई कैसे कट मार रहे हैं ये। वो बोलते हैं ना भाई, मैं देखता हूँ मोटर ब्लॉगर्स को, तो वो कोई ना कोई बंदा जरूर आता है जैसे कट कूट मार के निकलता है बाइकर्स के आगे। ये देखो हेडफोन्स पहन रखे हैं, कोई शीशे नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रहे। अरे भाई चल लो यार। अरे हाँ हेलमेट भी नहीं भाई का, बस अब भागे यार। कितने ज़्यादा डिफॉल्टर है ना भाई, एक लाइन है ना तेरा यार, डिफॉल्टर ता हो यार, कुछ बंदे डिफॉल्टर टकर गए। तो अगर तुम खुद भी डिफॉल्टर है तो तुमको डिफॉल्टर बंदे टकरते हैं। छतरपुर का जाम, इसी को मुबारक हमेशा। इतना दिमाग ख़राब हो गया यार, वहाँ से फ्री आया था इतना खुला खुला, मेरे को ना इसे वो भी ठोकते यार। लग गई क्या? लग गई यार उनकी, लग गई बाइक, उनको ध्यान ही नहीं है। देखो पूरा हाथ देख रहे हो कैसे लाइन बन गई हाथ पे, दर्द हो गया पूरा, आदत नहीं है ना। मैं नहीं निकलता अब 8-7 बजे से पहले वहाँ से, ये जाम देख रहे हो ना, ये जाम ने हालत ख़राब कर देनी है मेरी वापसी जाते हुए। 3 साल पहले मैं यहीं पर आया था एस टू लेकर के, जब आई सॉ दिस इवेंट और ओवर हेयर। तो यार मैं भी रुक गया हूँ बरिस्ता में और बहुत थक गया हूँ थोड़ी सी बाइक चला करके, हाथ की हालत देखो पूरा लाल हो गया है। और अभी फिलहाल कॉफी के लिए रुका हूँ मैं, अंकल जी इतना अभी आएंगे ऑटो पे। एक बात तो मैंने देखी है कि अंकल जी आप खुद बताओ, क्या इसकी टक्कर को कोई और बाइक लुक देती है जिसे इसकी लुक्स है? मतलब इससे पहले जो मेरी फेवरेट थी ना वो थी BMW की S1000RR, बट जो इसकी लुक्स है वो किसी की नहीं है, उसका जो पेंट है वो अलग ही जगह चमक मांग रहा है। कंट्री क्लब ड्राइव रोड तो आ गई और मैं भी पहुंच गया हूं। सुनो हाँ जी भैया, क्या हुआ ये भैया? अब 7 महीने पे 7 बार काम करा दिया मैंने इसमें इंजन का। अच्छा, 4 मिस्त्री बदल दिए, 4 खराबी बदल दिए। तो हुआ क्या था ये? पहले ये बोल रहे थे कि हमें लगा कि ड्राइवर की गलती है। हाँ। तो ये क्या हुआ, अब मैं खुद चला रहा हूँ, ड्राइवर क्या चेंज कर दीजिए, अभी मैंने 3 दिन में तेल उठा दिया। अभी बोल रहे हैं कि भैया आप समझ ले, ना ड्राइवर की गलती है ना मिस्त्री की गलती है, मेरी किस्मत की गलती है। हाँ भैया, नहीं नहीं भैया, वो नैनो की बात चल रही थी जो उन्होंने तैयार करी थी, वो चली गई भैया, पेंट को उसके बाद लास्ट में होगा। और इसकी जो टेल लाइट है ना उसमें पूरा स्मोक करवा रहा हूँ अभी, तो ये जो टेल लाइट है यहाँ पे स्मोक हो जाएगी। गाइज ये देखो, ये GLA रेडी हुई है, अभी थी ग्रे कलर के अंदर। और अब पूछो अच्छा, और कुछ बस रैप करें, फिर मिरर्स भी तो पेंट करें, बताओ यार। बगल में गाड़ी खड़ी है, आप उसके
इसमें सारा हाइड्रोलिक का काम हुआ है। अच्छा। और उसके बाद पेंट भी हुआ थोड़ा थोड़ा अभी। तो भैया आपने एक काम कौन किया तो इसके बाद बाकी भैया अभी बड़े वाली थार की बात हो गई है। पूरी देख रहे हो बाइक अच्छे से पहले ढक दिए पेपर से, बिकॉज ये कह रहे हैं बिल्कुल रिस्क नहीं है ना मेरे को ये वाले पेंट का। निकलता हूँ फिर मैं, थैंक यू जी, अब अगली बार दोबारा मिलते हैं। कह रहे मैं तब हाथ मिलाता हूँ जब बंदे को बोलता हूँ जाने के लिए। पहले हाथ नहीं मिला रहे थे, पहले पैसे देने देना, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अब भगा रहे हैं, जाओ। नहीं भगा नहीं रहे अंकल जी, वो तो कह रहे हैं पूरी रात यहाँ बैठो आप आराम से, जो खाना है पीना है मैं पिलाऊंगा। चलो ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स अब नहीं बैठेंगे कोल्ड ड्रिंक सुनते ही। वैसे मैं अभी आ गया हूँ पेट्रोल पंप पे, खत्म हो गया था भाई गाड़ी में बिल्कुल फ्यूल, तो डलवा ही लेते हैं, फुल टैंक करवा लूँगा। यहाँ पे ना होनी चाहिए स्ट्रीट लाइट्स, अब देखो इतनी पार्टीशन में नहीं थी, एकदम से आगे आई हैं स्ट्रीट लाइट्स, यहाँ पे होनी चाहिए। चलो जाम तो नहीं मिल रहा, लेकिन थोड़ा ना रात को ना डर लगता चलाते हुए, नॉट एक्सपीरियंस राइडर है सबको पता ही है, मैं इतनी नहीं चलाता इसको। यहाँ से ना पूरा व्यू आता है, अभी जो प्लेन आ रहे होते ना लैंडिंग करने के लिए, दिखाता हूँ अभी, मतलब पूरे ही दिखते हैं यहाँ से राइट लेते ही, तो ये अकेली सी जगह जो हाईएस्ट है यहाँ पे, वो देखो पूरे प्लेन ही दिख रहे हैं राइट साइड में, एक वो जा रहा एक वो आ रहा है। और किसी नोट पर ख़त्म करते हैं अपने आज के ब्लॉग को, यहीं पे ही मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा कर देना भाई, साथ में उसका एक होगा घंटा उसको टिंक कर देना। चलो अब मैं भी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ।